संग्रहालय में आयोजित नवीन रंग प्रयोगों के साप्ताहिक प्रदर्शन की श्रृंखला अभिनयन में आप सभी रसिक श्रोताओं का स्वागत है। अभिनयन श्रृंखला के अंतर्गत आज श्री नीरज कुंदेल द्वारा निर्देशित नाटक एकलव्य का मंचन इंद्रावती नाट्य समिति सीधी के कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। अब प्रस्तुत है नाटक एकलव्य। लेकिन बर्तन चाहिए अपना का है ना।
इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए अपना का बताइए। गणेश तुमका सही सब न बताओ, तोरे लगे प्रमाण हो तुमका दिखाओ। अच्छा हाँ प्रमाण चाहिए। हाँ प्रमाण है एकलव्य जेके गुण के कद्र आजो भर नहीं भाई। माने तुमका गलत साबित कर चाहते हैं ना, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य के कथा सुनाई के। अरे रे 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 आज तक अपना गलत साबित करें तो ठीक रहा, आज मार बारी आई तो मर चला गए है ना। अब तक कथा सुनाई न पाड़ी, धारस राखा और चला हमारे साथ। अच्छा तो हम चले तुम्हारे साथ। ना हम तोखा पानी के बूट छोड़ब नाते हमका ना।
मनई मनई के परे ना जानी, मनई मनई के पीरा ना जानी, का लड़ाई मा बहनी बिटियों के बिसर जाता मा, लड़ाई मा बहनी के बिटिये के भाई का नीला लगता। अभय तक नहीं आवा, कहाँ गया भाई,
काहे ना पाए चाहत है आकाश। नहीं रोके कब हम होगा गांव समाज के काम का, कैसन बराबरी कैसन बचकानी बाप। अरे ये सब चले मांगी तो रहूटा बारी बारी से, मिटा यही तोर अस्तित्व, नोच ले ही तोर गे के जियत मार। दादू का करे का करवे, आपके द्रोण अंगूठा कहाँ मांगे तमा। अरे महतारी के कोख में अंगूठा का नष्ट कर दे थमा। लाला अब केहू अंगूठा लेके पैदा नहीं होता है, सब देखावा कर थमा अंगूठा हो है के। या अंधियारी अब धीरे धीरे लाल होत ला गई, लागत है कहीं कौनो एकलव्य के लक्ष्य के लोहू बैठ हुए। हे परम पिता सड़क के रहैया हमार पितर, हमार ध्यान कृष्ण का, ओके महत्वाकांक्षा का, ओके अस्तित्व का, हमार ध्यान हम अपन वचन पूर की हैं, हमका दर्शन दे पितर, अब हमका दर्शन दे। जरा तो का कृष्ण मिला अधमरा अचेत और असहाय, युद्ध के बाद युग का अवसान होत रहा धीरे धीरे, और अपने मुड़े ले लिए तय मौत के पाप युग पुरुष के। तय अपने वचन से वंचित रहे जरा तोरे और युग पुरुष के महत्वाकांक्षा मां, कौन अंतर नहीं आए, कौन अंतर नहीं आए जरा, कौन अंतर नहीं आए। हाँ अंतर नहीं आए हमरे और युग पुरुष के महत्वाकांक्षा मां, हम का मानन हम का लायक तमारन हमरे बाप का मारिस, और मारब जब जब जन्म ले तब तब मारब। सुन तय जन्म लेत लेत थक जावे और हम मारत मारत न थका, दुख हमारा पिता हमका दर्शन दे। जरा तुम्हें मृत्यु चाहिए या मुक्ति तो कहो, कहो कथा एकलव्य की, सौर्य की, पराक्रम की, इन पर्वतों पेड़ों और अविरल प्रवाहमान नदियों से, जो कुछ जीवित है उनसे और जो मृत है उनसे भी। कहो कथा एकलव्य की, अपने पिता की। हम आए हैं अपने अपने लोगों से तुम्हें सुनने, जरा कहो कथा, दर्द कम होगा। बेटे ना मृत्यु मांगो ना मुक्ति, मांगो अभी हम जीवन इस धरा पे, उठाओ अपना संघर्ष अपने कांधों पर और कथा कहो, जरा कथा करो, तुम्हारे संघर्ष में ही तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारे संघर्ष में ही तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारे संघर्ष में ही तुम्हारा अस्तित्व है। Yeah.
श्रवा सबसे अंतिम वाले के ओखर काज भा निषाद कन्या के साथ भैया कृष्ण रहे यदुवंशी उनका बाप रहे यदुवंशी जब निषाद कन्या से काज भा तो निषाद कन्या का राज से बाहर निकल और निकाल दिन साथे साथे उस छोट का लड़का अरे कोरा मरा लड़का कितना पाप करी ना ऐसा जैसा सत्यवती काज भर रहा शांतनु महाराज सत्यवती नहीं निषाद की बेटी ठीक है निषाद की सत्यवती नहीं सत्यवती से प्रेम भा ओके पहले शांतनु की और प्रेम भरा राजा लगवा रहा है चार छोटे प्रेम होता है सारे ब्याह हो जाते हैं पहल प्रेम भा गंगा मैया से गंगा मैया कहीं एक शब्द पर हम शादी करब शर्त यह है कि अपना भविष्य में हमका कब रोकत तो कब और भैया शांत रूप प्रेम पगला रहे सर तो मान ली लेकिन जब गंगा के साथ से लड़का भी तो गंगा सतहु लड़कन के अपने नदी में बहा जाए मार डाली जब सतहु लड़कन के भैया मार डाली तो शांतनु से नहीं रहेगा अठमे के घर की बात करे जाए तो सीधी अठमे घर की कहीं रेखा रहा जाए एक नमा गंगा शांतनु का वही छोड़ के चली गई फरक अब भैया शांतनु का फिर से प्रेम होएगा अच्छा अच्छा बात यह है भैया कि शांतनु एक दिन जात रहे इंदर नदी के ओ पार अब का भा की नाव में जा के बैठे और दिना नाव चलावत रही सत्यवती मैंने दिना निषाद चलावत रही लेकिन दिना सत्यवती चलावत रही जैसे भैया नाव में बैठे कहीं कसो तू तो बहुत सुंदर लागत अपना की मनसा का है काज करे हाँ। शांतनु महाराज काज करे देखा तो काज करे कहीं तो बिटिया का कहीं कहीं नहीं हमारे बाप से पूछ रही पहले हमारे आदा रही भैया बाप माताजी से पूछत रहे काज ब्याह पहले तो बाप से जब शांतनु महाराज पूछेगी तो बाप कहीं देखी काज ता कह दे पैखी दिक्कत यह है का दिक्कत है अपना पंचे हमारे समाज का कबो छुअन छरपन है नहीं दूरी दूरी रखे गर्ग गुरुआ गुरुआरी वाला काम देन काल काला हमारे बिटिया का खदेड़ दे निकाल दे तू का दूसर का बिटिया के हो ही ना एक शर्त पर शादी करा शर्त यह भैया शर्त यह रखी कि हमारे बिटिया के जो पहली लड़का पैदा हुई वह सिंहासन के मालिक अब शांतनु महाराज कैसे शर्त मान ले पहली लड़का देवव्रत रहा गंगा से उनके बाद भीष्म पितामह कहा था नहीं माने सब चले आए घरे अब भूकुल के बैठ के कुआं भवन खाना पीना सब छोड़ दिन भैया खावा नहीं चाट जब चाट दिन नहीं खाए भैया तो देवव्रत का पता चला कहा देवव्रत आए कहीं बताई पिताजी का समस्या है बताई तब ना जाना कहीं लाला हमका प्रेम हो गया है देख ले बाप कहा ला बुढ़ान है बाप अब कहा ला हमका प्रेम हो लड़का काज बचा है करे के बाप अपने के लिए ढूंढ ला तो भैया दिन में कहीं रहूं का देवव्रत कहीं नहीं पिताजी हम बात करी थे अब ये सत्यवती से बात करी भैया और वही शायद जीवन भर अविवाहित रह के भीष्म प्रतिज्ञा लीन देवव्रत के नाम उठा से पर के भीष्म पितामह पितामह बाहर जब पितामह भीतर भीष्म प्रतिज्ञा लीन तो भैया जब ये प्रतिज्ञा ले ली तो तर्ज बदल कि जमान होएगा ना चढ़िया दाई तोड़ो को जुगे उपाय घर के जमान होएगा ना हो जमान होएगा ना ए बुढ़ौती मर जा जमान ए जमान होएगा ना हो जमान होएगा ना ए जमान होएगा ना हो जमान होएगा ना ए बुढ़ौती मर जवान होएगी 22 साल के अब कहीं काज कर अब भैया काज कर चल दी काज ब्याह होएगा उस लड़का भी चित्रवीर विचित्रवीर विचित्रवीर बहुत लड़ाकू रहा 18 साल से मर गया कैसे कि बरस 18 छत्री जीवे जीवन को धिक्कार भैया चित्रवीर मर गया बचा चित्रवीर तो जब भीष्म पितामह अंबा अंबिका अंबालिका का स्वयंवर से हर के लाए अंबा तो चली गई दूसरे से प्रेम करत रही लेकिन अंबिका और अंबालिका बच गई उनका काज करा दी चित्रवीर लेकिन भैया चित्रवीर भोग बिलासी में नहीं 4 महीना मर गया लड़का बच्चा नहीं पैदा करती अब लड़का बच्चा नहीं पैदा भैया तो सिंहासन की संभारी अरे जौन गरीबन के लूट खसूट के रखे तो खाई लोग कहा था कि पूत कपूत का धन संचय पूत का धन संचय सब चला गया जौन राघव चला गया अब भैया बड़ी समस्या हो गई सत्यवती सोचिन कि हम निषाद कन्या हैं लड़का बच्चा ना हो तो काल काला सब कहीं एक लड़का बच्चा नहीं भी एक काल लक्ष्मी का
तो गई केखे लगे भीष्म के लगे हां कहीं लाला काज के लड़का बच्चा या सिंहासन वहां से संभाल ले तू चले भाई तो कहीं नहीं महादारी अपने खाते दम बचल ले रहे ना काज ना कर बुलाईदार तो गई व्यास के लगे वेदा व्यास व्यास के लगे तो व्यास काज का लिन भैया और व्यास से दो तीन लड़का अंबा की उंबा जब गुरु द्रोणाचार्य के लगे एकलव्य का तो गुरु द्रोणाचार्य का कहा था ये चूड़ा छुएना हम अपने राजकुमार के साथ है तो निषाद का शिक्षा नहीं दे सके एकलव्य अपमानित हो गया भाई और लौट या बढ़ा घरे तो करे चाहिए ना करे जाना इसके बाद भीष्म पितामह जाना था फिर और ये बताए तब ये तर्ज बल्ला थी कैसे कैसे तर्ज बल्ला थी कि बड़ी बड़ाई अब फट ही न जाई भैया बड़ी बड़ाई न जाई फट ही बड़ी बड़ाई अरे फट ही न जाई तो झूरे के मर्यादा चोला कई दिन चाली भाई झूरे के मर्यादा चोला चली भाई झूरे के मर्यादा चोला कई दिन चली भाई मर्यादा Mine.
आवे की आज्ञा चाहिए थी। आवा लाला, आव। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो लाला, पहनतों का चिन्ह नहीं। कहाँ से आए हैं? गुरुदेव हम निषाद राज हिरण्यधनु के लड़का एकलव्य आए हैं। हम अपना से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर आए हैं। तू हमसे धनुर्विद्या सीख रहा है? हाँ गुरुदेव। लेकिन यह तो असंभव है। काहे गुरुदेव, हमारे अंदर कौन कमी है? काहे से कि हम क्षत्रिय आचार्य क्षत्रिय राजकुमारन के आचार्य और ये क्षत्रिय राजकुमारन के संगे एक निषाद उसका धनुर्विद्या नहीं सिखा। गुरुदेव अपना हमारे भक्ति और श्रद्धा में कोनो प्रकार की कमी देखब तब कहब। गुरुदेव अपना हमका अपन शिष्य स्वीकार करी। देखा, हम तुमको बता चुके कि क्षत्रिय राजकुमारन के संगे एक निषाद पुत्र का हम धनुर्विद्या कैसे कह नहीं सिखा सकता है। या राजकुमारन के अपमान को हम ये अपमान के साथ ही न कहते। तू जा, हम बहुत गहराई से सोच विचार कर चुके। तू जा के हुआ उसका गुरु बनावा। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। हे इंद्रन भाई, हम अपन बचपन तोरे तक पर गहन रखे
आचार्य द्रोण हमारे जैसा शूद्र जाति के युवक का राजकुमारन के साथ शिक्षा देने से मना कीजिए। वो राजगुरु है, हम निशान यहीं से वो हमका अपन शिष्य नहीं बना पाए। शिष्य बनावे से मना काहे करते।
पर हम कैसे गुरुदेव हमरे द्वारे पर आए हमा और हम उनके अस्तित्व पर संदेह करे लागन। बेकार है खुदा ऊपर जौन गुरुदेव पर संदेह करे लागन। एकलव्य आज जौन कुछ है जौन कुछ सीख पाए वहा यह गुरु के कृपा से और हम गुरु का अपमान करे लागन। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव बेटवा। बेटवा अपन परिचय दे। गुरुदेव हम निषाद राज हिरण अधु के पुत्र और अपना के शिष्य एकलव्य है। हमार शिष्य? हाँ गुरुदेव। हम कब शिक्षा देते होगा? गुरुदेव हम अपना का अपन गुरु मान के यह अपना के प्रतिमा स्थापित करके धनुर्विद्या का अभ्यास कर अपने की कृपा से हम धनुर्विद्या सीख पाए। अच्छा तो तू हमार शिष्य है? हाँ गुरुदेव। तब तो नियमानुसार तुमको गुरु दक्षिणा दे कर चाहिए। आज्ञा करी गुरुदेव। गुरुदेव अपना हमार प्राणों मांग ले तब हम होकर अवज्ञा न कर। मागी गुरुदेव मागी आज अपना हमसे जौन कुछ मांगब हम वह सब कुछ दे दे। प्राणों दे दे एकलो। हाँ गुरुदेव अपना मांगे तो हम प्राणों दे दे। तो ठीक है हमका तोर प्राण नहीं बल्कि दहिना हाथ के अंगूठा चाहिए। Ah!
बेडू अपना द्रौपदी के स्वयंवर में जा वो काहे द्रौपदी का लेके आवे काहे का तो फिर अपने जई युवराज हम जई द्रौपदी के स्वयंवर में वो काहे ऐसा नशिष्ट लोगन के बीच में हमको कोनो प्रकार के प्रयोजन के खातिर नहीं जाय का युवराज अपना का द्रौपदी के वरण कई के ले आवे का हम ठिठोली नहीं करित लागा है हां अपना का चाहिए थे कि हम अपना के खातिर शपथ लियो हां युवराज जब अपना स्वयंवर में द्रौपदी का जीत के दिखाओ तबे पूरे आर्यावर्त को पता चले कि निषादा के उसे कम नहीं आई वेणु हम अपने आप का दिखावे के फेर मा तोरे खातिर सवत ना लियो अपना का हमार क्रिया है युवराज अपना स्वयंवर में जाओ ठीक जय धर्म जय धर्म भाई जी का पारण कर दिया परेशान उनका बाप द्रुपद द्रुपद बहुत परेशान स्वयंवर सब आएगी हाँ और द्रौपदी नहीं आवल लाई मारे तो कैसे कि कब बन मारी आई ना अरे कब बन मारी आई ना कब बन मारी आई ना पूछत द्रुपद धारी भैया कब बन मारी आई ना अरे पूछत द्रुपद धारी हो भैया कब है भैया देखा स्वयंवर माँ मेर मेर के लोग आए रहे हाँ एक जने आंधा रहे आंधा ऐसे आंखी चापी बैठे रहे स्वयंवर अब नहीं जाने का कहाँ दिखा रहा हूँ लेकिन बैठे रहा भाई इतने लंगर रहे हैं ओ आए रहे एक जने के सुना नहीं रहा कुछ की का बोला तब वो आए रहे बैठे रहे एक जने भैया विश्वास मान बैठ कुर्सी में बैठे रहे इनके गजरे हैं बुढ़ान कुछ नहीं पावन रहे मैं देखा तो रहा भाई जी की द्रौपदी खड़ी है सुंदर मेहरिया स्वयंवर में खड़ी हो की नहीं जा चाहे सब कर रहे भैया महू कर रहे स्वयंवर में भैया स्वयंवर साजीगा धनुष रखाएगा खड़ी खिलाएगा आखी मारे का है सब जने आके बैठेगी भैया अब एक करके राजा जाए लगे भैया बहुत जने भैया तो धनुष नहीं उठाए जैसे भैया गा धनुष उठावे द्रौपदी रोक दी रोक दी हाँ कहने शूद्र से हम काज न करब भैया कर्ण अपमानित हुए अरे स्वयंवर तो सब खातिर होते कौन शूद्र कौन क्षत्रिय कौन वैश्य कौन साधु है सब बराबर है मेरा द्रौपदी ओखर रोक दिन बड़ा अपमानित है भैया ओखे बगल बैठा रहा एक अल्लाह के ओखर हिम्मत नहीं पड़ी कि स्वयंवर में चला जाए धनुष उठाए तो मछली की आंखें मार दे भैया तर्ज बदल गया कैसे बदला थी भैया तर्ज खीरिया खबा नहीं लागनो न कालो खीरिया खबा नहीं लागनो न कालो खीरिया खबा एक तन मन बै पर मन नहीं यार हो खीरिया खबा सुंदर है तक केहू का कुछ बोल दे जब तो का अपने पसंद के मनही से काज करे का रहा ता स्वयंवर का ढोंग काहे कर दे कैसन हुआ तिरस्कृत कह दे सूत पुत्र करण का हम कौनो शूद्र से काज ना करब हमार मन बैठ गए हमार अंतस बर्फ के नाई जम गया कैसन के जाई तू वो लक्ष्य वेद जहां पग पग मा पर भरा रहा हम निषाद के पुत्र है तो अपन जाप अपन परंपरा अपन वंश छोड़ दे कौनो राज सुंदरी के खातिर चानित है ये भयावह शोर के आगे हमरे वाणी का कौन अस्तित्व नहीं है ताकि यह डर से हम सच कहब छोड़ दे नहीं 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 हम कहब अपने कुल की कथा अपने परंपरा के पौरुष तू चाहे जय हो हम लड़ब अंतिम सांस तक अपने अस्तित्व की लड़ाई युवराज अपना कैसे बताई लागे ही अंतर क्यों नहीं दिखाए अपने आप से वेणु हम कितना स्वार्थी हैं हम निषाद के पुत्र हैं और पूर्व मन यह राजकुमारन के साथ बराबरी करें मां पिता नहीं हम अपने प्रजा के साथ अपने परिवार के साथ धोखा करें अपना सब काहे सोची थी युवराज अपना के लोग अपना के लड़ा...
कुछ आंखी के सामने से निकला जा रहा है। ये युद्ध काहे होता है? युद्ध से सिर्फ विनाश होता है और शांति मां सृजन होता है। युद्ध में विध्वंस होता है और शांति मां लोक कल्याण के भावना जागती। कहो कहो शांति के लाने युद्ध क्यों अनिवार्य हो जाते संगी? महाभारत शुरू होने वाला रहा और दूर दूर से देशों के राजा का बुलाव भेजा गया रहा, पर दोनों पक्ष में से क्यों निषाद का नहीं बुलाई?
अभी आप देख रहे थे नाटक एकलव्य। नाटक के निर्देशक श्री नीरज कुंदेर जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और कलाकारों का परिचय कराएं। साथ ही आप दर्शक बंधुओं से विनम्र आग्रह है कि कुछ देर और हमारे साथ बने रहें। नाटक के अवलोकन के लिए आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री संजय उपाध्याय जी। आपसे अनुरोध है कि मंच पर आएं और आज की नाट्य प्रस्तुति के कलाकारों को पुष्पगुच्छ भेंटकर प्रोत्साहित करें। लाइट पर मोइनुल साथ में हमारे वो आ जाएं और जितेंद्र और आलोक बैक स्टेज पे थे। और इस नाटक में संजय सर ने बहुत
सहयोग किया है, लगातार गाइड करते रहे हैं इस नाटक को बनाने में। और परिचय, मैं बोलता जाऊँ, प्रजीत कुमार साकेत, रोशनी प्रसाद मिश्रा, पवन मनोज इंद्रेकर, अंबर तिवारी, मयंक पाठक, एडी मनीष यादव, राज सोनार्तिया, शिवा कुंदेर, नरेंद्र बहादुर सिंह, करुणा सिंह चौहान, संतोष द्विवेदी भैया, हैप्पी बर्थडे, आज उनका बर्थडे है, सुनैना दुबे, दीप्ति पटेल चुरहट, आलोक पाठक, इधर जितेंद्र टटवाल और मोइनुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं बिना अनुमति के मैं बोल रहा हूँ, मुझे सीधी के इन कलाकारों के कार्य को देखने का अक्सर पिछले 5 वर्षों से मुझे मौका मिल रहा है, और इस पूरी टीम को मैं पिछले 5-6 वर्षों से जानता हूँ। तो जिस तरह से ये लोग ग्रो कर रहे हैं एक छोटी सी जगह पे, सीधी जैसी जगह पे, तो पहली बार जब मैं गया था तो इतना ख़राब खस्ता हाल रोड था, तो मैंने वहाँ एक सभा में जहाँ पे विधायक जी भी बैठे थे, वहाँ की सांसद साहिबाई बैठी थी, तो मैंने कहा कि मैं आया था सीधी लेकिन टेढ़ी होके जा रहा हूँ। तो इतना रोड ख़राब था, और तो किसी भी तरह, लेकिन उसके बावजूद मैं लगातार जाता रहा उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी। और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूरी टीम को लेकर भ्रमणशील कार्यशाला हम लोग करते हैं, तो बघेल खंड में हमने 2-2 बार कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, सीधी के लोगों ने, और इस पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन था। तो लगातार ये लोग आदिवासी फोक वहाँ का जितना है, लोक शैलियों पे, ट्राइबल्स पे, 13-14 गांव इन लोगों ने, अब तो और ज़्यादा कर दिया है, जब मैं गया था तो 13 गांव को इन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, और वहाँ का जो कल्चरल, वहाँ के जितने भी कलाकार हैं उन सबों को ये लोग संरक्षित करते हैं, और उनके साथ इंटरेक्शन तो बहुत ही ज़मीन से जुड़कर लोग से, थिएटर ऑफ रूट्स इसको कहते हैं, जो हबीब साहब की परंपरा रही है, कारंत जी की परंपरा रही, उस परंपरा में नीरज को देखता हूँ, या पणिकर, केन पणिकर जी की जो परंपरा में मैं नीरज को देख रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में, अभी बहुत यंग है, जैसा कि इन्होंने, सक्सेना जी ने भी कहा कि बहुत यंग है और बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट है पूरा का काम। तो आने वाले दिनों में हमारी शुभकामना है कि इसी तरह लगातार काम करते रहें, ग्रो करते रहें। प्रोडक्शन अच्छा हुआ बुरा हुआ ये इस पर हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो एफर्ट है, जो इनका जो ये समर्पण है, कमिटमेंट है, लोक को लेकर, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, और इसके अंदर जो एक विमर्श खड़ा करते हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और मैं इस पूरे, यहाँ ये नवाचार था, ये प्रयोग था, और ट्राइबल जो आर्ट है उसको विस्तार मिला है रंगमंच के माध्यम से, हबीब जी की परंपरा के बाद, इसको जिसको हम मान सकते हैं कि ये एक, इन्होंने इसके पहले एक नाटक किया कर्णभारम जो भास, महाकवि भास के ऊपर है, वो तो अद्भुत प्ले है, कमाल का प्ले है। ये नाटक पहली बार यहाँ मंचित हो रहा है, इसको अभी एक वर्कशॉप के तहत तैयार किया गया, और ये पहला मंचन था इसका, इसलिए इस बात पर कि ये पहला इनका शो था, एक तरह से रिहर्सल था, तो इसी बात पर एक ज़ोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि इनका ग्रैंड एक रिहर्सल किया इन्होंने, अब ये ग्रो करेगा और इसको और अच्छा करेंगे ये भविष्य में। मैं दुआ देता हूँ कि आप सब लोग बहुत आगे बढ़ें और बहुत अच्छा काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया।